गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, दिस इज योर कंप्यूटर बुक। और आज हम लोग कंप्यूटर में चैप्टर नंबर थर्ड स्टार्ट करने वाले। हमारे थर्ड चैप्टर का नाम है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। क्या है हमारे थर्ड चैप्टर का नाम? नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मैंने आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो सेंड किया था कल। आई होप कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को पीपीटी के थ्रू पढ़ा है, तो इस चैप्टर को भी हम लोग किसके थ्रू पढ़ेंगे? पीपीटी के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे थर्ड चैप्टर का क्या नाम है? नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इस चैप्टर में हम किसके जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे? कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैंने जैसे कि देखिए, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर। देख रहे हैं आप, टाइम टू टाइम इनके शेप में कैसे चेंजिंग आते हैं। वैसे तो बहुत सी चीजों में चेंजिंग आए, पर जैसे पहले आप लोग शेप, जैसे आपको मैं पिक्चर दिखाई तो शेप देखिए, पहले इस टाइप का फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। आप इस कंप्यूटर को देख के पता लगा सकते हैं क्या इतना बड़ा कंप्यूटर इंसान के घर में रख सकता है? नहीं ना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा जगह ये कैप्चर कर रहा है कि ये जो आम जनता है, नॉर्मल पब्लिक है, हम जैसे आप जैसे लोग हैं, वो उस टाइम इस कंप्यूटर को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर, ये देखिए थोड़ा सा इसके जो शेप में, इसके डिजाइन में क्या आया, चेंजिंग आई। ये देखिए, देख रहे हैं ना आप लोग। फिर थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर, ये जो है आप जो पिक्चर देख रहे हैं, थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। ये देखिए, देख रहे हैं ना आप, टाइम टू टाइम जनरेशन बाय जनरेशन क्या होता जा रहा है, इनके शेप में, इनके काम करने के तरीकों में चेंजिंग आती जा रही है। ये है आपका फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर, ये देखिए। ठीक है, और ये है आपका फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर। ठीक है, फोर्थ क्लास, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी किसी इंसान ने, किसी ह्यूमन बीइंग ने जब इन मशीन्स का डेवलप किया था, उनका एक ही पर्पस था। वो पर्पस क्या था? उनको ओनली मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, ऐड, इन सबको करने में इजी हो, इसलिए इजी के साथ साथ मिस्टेक ना हो, इजी के साथ साथ मिस्टेक ना हो, इस पर्पस से उन्होंने क्या किया था, मशीन का डेवलपमेंट किया था। बट टाइम टू टाइम क्या हुआ, कंप्यूटर का यूज हम लोग और भी अदर पर्पस के हिसाब से करने लगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम फर्स्ट जनरेशन का अगर कंप्यूटर देखें, तो इसका मेन पर्पस क्या था? ओनली मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करना। आप इसमें ज्यादा क्या कर सकते थे? मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कर सकते थे। बट अगर आप फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर देखें, ये देखिए, ये जो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर, आपको इस कंप्यूटर को देख के फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर देख के आपको ऐसा लग रहा है कि बस हम इसमें ओनली कैलकुलेशन कर सकते हैं। नहीं, जो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, आज ऐसा कोई सा भी वर्क नहीं है जो हम फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में नहीं कर सकते। हम इसमें अपने डाटा को सेव रख सकते हैं, हम इसमें टाइपिंग कर सकते हैं, हम इसमें सॉन्ग सुन सकते हैं, हम इसमें मूवीज देख सकते हैं, बहुत सी ऐसी। इनफैक्ट जो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, उसे किसी से कंपेरिजन किया गया है? ह्यूमन बींग से। जो काम ह्यूमन बीइंग कर सकता है, ऐसा तो नहीं मैं बोल सकती कि सारे काम, बट बहुत से ऐसे काम जो एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है, माइंड वाला काम, वो काम आपका कंप्यूटर भी कर सकता है। तो मैं आपको बस यही बताना चाहती थी कि किस पर्पस से कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ था और क्या पर्पस आज है कंप्यूटर का हमारी लाइफ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना जनरेशन वाइज कंप्यूटर के बारे में पढ़ना। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो फर्स्ट जनरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का। इसकी टाइमिंग कब से मानी जाती है? 1940 से लेके 1956 से किसकी जनरेशन मानी जाती है? फर्स्ट जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर होता है, उसकी टाइमिंग समझी जाती है। क्या बता रहे हैं आप, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा पास से क्या बता रहे हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में? वैसे तो आप लोगों को अबैकस, इन सब के बारे में पता ही। अगर आप ये देखिए, अबैकस का कंपैरिजन इससे करें तो कितना डिफरेंस आ गया इन मशीनों के बीच में, है ना? क्या बोल रहे हैं,
दे ऑक्यूपाइड अ लॉट ऑफ स्पेस. जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो क्या करता था, ऑक्यूपाइड मतलब बहुत सारा जगह घेरता था. क्यों? क्योंकि ये देखने में इतना बड़ा था, इसलिए क्या करता था, बहुत सारे स्पेस को ऑक्यूपाइड करता था, ठीक है, घेरता था. दे वर एक्सपेंसिव टू ऑपरेट. इसको चलाने के लिए बहुत ही पैसों की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि अब इतना बड़ा मशीन है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी जाना चाहिए, पैसे भी इसको मेंटेन करने के लिए हमें पैसा चाहिए. तो जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो क्या था, दे वर एक्सपेंसिव टू ऑपरेट. उसको चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती थी, बहुत पैसों की जरूरत पड़ती थी. दे यूज लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेट लॉट्स ऑफ हीट. जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो क्या करते थे, उसको चलाने के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, और वो क्या करता था, जनरेट क्या करता था, लॉट्स ऑफ हीट, एक गर्मी पैदा करता था बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है. अब एग्जांपल जैसे ENIAC, EDVAC, UNIVAC, ये जो मैंने तीन नाम लिए हैं ये फर्स्ट जनरेशन के क्या थे, कंप्यूटर थे. क्या थे, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे. तो आपको पता चलिया जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड करता था, बहुत एक्सपेंसिव था, उसको चलाने के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही साथ क्या होता था, वो बहुत सारा हीट जनरेट करता था, ठीक है. तो फर्स्ट जनरेशन के का जो कंप्यूटर था उसके बारे में आपको पता चल गया, ठीक है. अब हम आते हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर पे, ठीक है. आपका जो थर्ड चैप्टर है उसमें फर्स्ट जनरेशन के बारे में नहीं बताया गया बेटा, बट तभी भी मैं आपको फर्स्ट जनरेशन के बारे में बता दिया है मैंने, ठीक है. अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में क्या बताया, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था उसकी टाइमिंग क्या थी, 1956 से लेके 1963. क्या था, 1956 से लेके 1963, ठीक है. क्या बता रहे सेकेंड जनरेशन, आप सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर को देख लीजिए. अगर आप कंपैरिजन करें फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से, सेकेंड तो बहुत से शेप में इसके बहुत चेंज आ गया. ये देखिए इनका डिजाइन देखिए, और इनका जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर उसका डिजाइन देखिए. अब चलिए देखते हैं कि सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसकी क्या खासियत थी, या उसमें क्या डिमेरिट थे या क्या मेरिट थे, उनके बारे में स्टडी करते हैं. दे वर स्मॉलर एंड फास्टर कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. अगर हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का कंपेरिजन करें तो ये क्या था, सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर स्मॉलर था, छोटा था, और फास्टर मतलब ये जल्दी काम करता था कंपेरिजन टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के, ठीक है. फिर है सेकेंड, दे वर चीपर टू मेंटेन कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन. अगर हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से इसे कंपेरिजन करें तो इसको मेंटेन करने के लिए ये क्या था, चीपर था. मैं ये नहीं कह रही हूं अभी तक आपको, मैं अभी हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं ये फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन के कंपैरिजन. जैसे कि फर्स्ट जनरेशन के का जो कंप्यूटर था उसको क्या कहते हैं, उसको चलाने के लिए हमें बहुत पैसों की जरूरत पड़ती थी ना, बट जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था उसको वो क्या था, चीपर था कंपेरिजन टू फर्स्ट जनरेशन, ठीक है. मतलब पहले तो थोड़ा महंगा था बट सेकेंड जनरेशन में क्या हो गया, मेंटेन करना चीप हो गया, सस्ता हो गया, ठीक है. अब क्या है, एग्जांपल बताया गया है सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का क्या है, UNIVAC 3rd, IBM 1401, IBM 700, NCR 30 सीरीज. ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं ये क्या है, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के नाम हैं. समझ में आ गया. अब हम आते हैं थर्ड जनरेशन, क्या है थर्ड, ये देखिए थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर. देखा आप लोगों ने थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर क्या बता रहे हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में. सबसे पहले थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर की टाइमिंग क्या है, 1964 से लेके 1971. क्या है टाइमिंग, 1964
64 से लेके 1971 का टाइम माना जाता है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का। क्या बताया गया है, आप देख ही रहे होंगे कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो इस तरीके का था, सेकंड में इस तरीके का, थर्ड में कुछ अलग दिख रहा है ना आपको। ठीक है, क्या बता रहे हैं, दे वर फास्टर एंड एफिशिएंट देन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। ये क्या था, जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था ये क्या था, फास्टर था। क्या था इसका मतलब, फर्स्ट जनरेशन में थोड़ा सा स्लो था, फिर थोड़ा और फास्ट हुआ, थर्ड जनरेशन में भी क्या हो गया, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन से ज्यादा फास्ट कौन काम करता था, थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर काम करता था। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कंप्यूटर्स वर मेड अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक बिकॉज दे वर स्मॉलर एंड चीपर कंप्यूटर टू अर्लियर जनरेशन। सबसे बड़ी बात कि पहले तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको इससे जो पहले मैंने वीडियो भेजी है, कल जो मैंने वीडियो भेजी उसमें मैंने बताया था कि कंप्यूटर के साइज शेप और इसको रखना कोई आम बात नहीं थी। तो इसलिए क्या करते थे कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर होता था उसको सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि ये बहुत स्पेस कवर करता था, बहुत से लोग इसको चलाने के लिए उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, पैसा नहीं था। बट जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था, एक ऐसा जनरेशन ऐसा कंप्यूटर बनाया गया जो जनरल पब्लिक मतलब आप हम जैसे लोग भी क्या कर सकते थे, इस कंप्यूटर का यूज कर सकते थे। तो आपसे अगर कोई ये पूछे कि किस जनरेशन का जो कंप्यूटर था जिनको सब लोग यूज करते थे, वो कौन था, थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था। आप फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इनको ओनली बिजनेसमैन जो बहुत बड़े बड़े लोग होते थे वो अफोर्ड कर सकते थे। बट थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर आया, इसको जो आम जनता है वो लोग भी क्या कर सकती थी, खरीद सकती थी। ठीक है, द यूजर कम्युनिकेटेड विद द कंप्यूटर्स यूजिंग कीबोर्ड एंड मॉनिटर। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में कहीं पर भी कीबोर्ड और मॉनिटर की बात नहीं की गई है, बट थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसमें कीबोर्ड की बात की गई है, मॉनिटर की बात है। मतलब कि अगर आपको कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करना है तो आपके पास एक साधन था, वो क्या था, कीबोर्ड और माउस। मतलब कि फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसे कोई भी डिवाइसेस नहीं थे जिससे आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सके। बट थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसको से आप कम्युनिकेट कर सकते थे, क्योंकि उस समय तक कीबोर्ड और माउस अवेलेबल, मॉनिटर अवेलेबल थे। ठीक है, फोर्थ लाइन, दे यूज ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउइंग मैनी डिफरेंट एप्लीकेशंस टू रन एट वन टाइम। मतलब कि पहले कंप्यूटर को चलाने के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं था, बट थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, वो एप्लीकेशन भी आ गया, जिससे क्या कर सकता था, कंप्यूटर चलाना इजी हो गया था। अब एग्जांपल बताया गया है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का, जैसे UNIVAC 900 सीरीज, IBM 360। अभी आप सोच रहे होंगे मैम IBM तो आपने हमें सेकेंड जनरेशन में बताया था बेटा, बट IBM ये देखिए IBM 700 है, बट जो थर्ड जनरेशन है उसमें क्या है, IBM 360 था। क्या था, 360 था। तो वो जो आपका जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था उसके ही अंदर क्या किया गया, डेवलपमेंट किया गया। ठीक है, फिर है आपका ICL 1900। ठीक है, तो ये जो भी मैंने आपको नाम बताया ये क्या है, कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के नेम है। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है,